गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये समर ब्रेक के बाद आपकी पहली क्लास है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। हॉर्नबिल का हमने कर लिया, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। पोएम हम पहली कर चुके हैं, फोटोग्राफ। और स्नैपशॉट का हम पहला चैप्टर कर चुके हैं, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ओके बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेकेंड पोएम, जिसका नाम है द लेबर्नम टॉप। अब लेबर्नम का मतलब क्या है? लेबर्नम एक ट्री है जिसकी ब्रांचेस लटकी हुई होती हैं, जिस पे येलो फ्लावर्स होते हैं और पॉइजनस सीड्स होते हैं। पॉइजनस मतलब जहरीले बीज होते हैं उसके। गोल्डफिंच क्या है? एक छोटी सी चहचहाने वाली बर्ड है जिसके येलो फेदर्स हैं और विंग्स हैं। तो हम पढ़ते हैं इस पोएम के बारे में। ये पोएम किसने लिखी है? टेड ह्यूगस ने। द पोएम डिस्क्राइब, पोएम क्या डिस्क्राइब करना चाहती है? अराइवल ऑफ अ गोल्ड फिंच बर्ड इन अ लेबर्नन टी ऑन एन आफ्टरनून। एक आफ्टरनून का टाइम था, उसमें एक लेबर्नन टी, लेबर्नन ट्री मैंने बता दिया, उसके ऊपर एक गोल्ड फिंच बर्ड आकर बैठ जाती है सेप्टेम्बर के महीने में। द ट्री हैज़, द ट्री पे येलो कलर के जो हैं वो फ्लावर्स होते हैं, और टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा शांति होती है। ऑल ऑफ अ सडन एकदम से एक गोल्ड फिंच, स्मॉल बर्ड, छोटी सी बर्ड उसके ऊपर आकर बैठ जाती है उसकी ब्रांच के ऊपर, और चहचहाने लगती है। चिरपिंग मतलब चहचहाने लगती है। बर्ड जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है, और शी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ट्री वेयर हर नेस्ट लाइज। तो वो ट्री के अंदर घुस जाती है जहाँ उसने अपना घोंसला बनाया होता है। ठीक है, देर आर हर यंग लिंग्स, वहाँ पर उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दे स्टार्ट चिरपिंग टू सी देयर मदर, वो अपनी माँ को देख के चहचहाने लगते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पहले बहुत ज़्यादा शांति होती है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा चिरपिंग की साउंड आने लग जाती है। ठीक है, विंग्स के फड़फड़ाने की साउंड आने लग जाती है। द होल ट्री कम्स टू लाइफ, जो पूरी ट्री है उसको जान मिल जाती है, क्योंकि मूवमेंट होने लग जाती है ट्री पर और आवाज़ें आने लग जाती हैं उस बर्ड की वजह से। वो क्या करती है, चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है उस ट्री पे, वो उनको फीड करती है। शी फीड्स देम टू देयर फिल, उनको वो फीड करती है, अच्छा खाना देती है। फिर वो क्या करते हैं, देन द बर्ड अगेन कम्स आउट एट द ब्रांच एंड, फिर वो बाहर निकल के एक ब्रांच के एंड पे आ जाती है। तो पोएट ने बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुली पोर्ट्री किया है उस बर्ड को सिंगल लाइन में, जैसे ये लिखा है, बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क, इट मीन्स दैट देर आर लाइनिंग ऑन हर फेस। उसके फेस पर क्या है, लाइनिंग होती है जो कि उसकी आइडेंटिटी है। वो लाइन्स क्या है, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है जो उसको दूसरी बर्ड से अलग बनाती है। जो उसकी मुंह पे लाइनें हैं वो उसको दूसरी बर्ड से अलग बनाती हैं। आफ्टर चिरपिंग ऑन द ब्रांच एंड फॉर सम टाइम द गोल्ड फिंच फ्लाइज इन टू द ब्लू ऑनन वंस अगेन, ब्लू स्काई के अंदर वो उड़ जाती है चहचहाने के बाद, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए दोबारा से मील इकट्ठी कर पाए। अब दोबारा से क्या हो जाता है, जो लेबर्नम ट्री, लेबर्नम टॉप ट्री का टॉप होता है, वो एम्प्टी खाली हो जाता है। बट वी कैन होप दैट द नीड विल ब्रिंग बैक लाइफ टू द ट्री अगेन एंड अगेन, लेकिन हम दोबारा से होप करते हैं कि वो चिड़िया जो है, गोल्ड फिंच जो है, वो दोबारा आएगी और उस ट्री को जान दे देगी, उस पर मूवमेंट और साउंड, मतलब चिरपिंग करके साउंड देके। तो यही इस पोएम का मतलब है कि एक ट्री और एक बर्ड का इसमें रिलेशन बताया हुआ है कि कैसे वो एक दूसरे का साथ देते हैं।